आलू दो प्याजा रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलू दो प्याजा बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। आलू दो प्याजा बनाने के लिए मैंने लिया है दो बड़े आलू जिसे ऐसे कट करके लिया है, चार छोटे प्याज जिसे ऐसे कट करके लिया है, दो टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, एक टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट के लिया है, एक टीस्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर, एक टीस्पून मैंने लिया है जीरा और मैंने लिया है एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, दो से तीन बड़े चम्मच तेल और दो टीस्पून मैंने लिया है कस्तूरी मेथी। तो चलिए बनाते हैं आलू दो प्याज़ा। फ्रेंड्स, अभी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और गैस लो फ्लेम पे है, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा हिला दूंगी। अब मैं इसमें ये कटे हुए आलू डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिला दीजिए। आलू को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अभी हमें इस कढ़ाई को ढकना है एक लीड से और 5 से 7 मिनट आलू को अंदर पकने देना है। फ्रेंड्स, अभी 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये कढ़ाई का लीड खोल दूंगी। आलू को थोड़ा सा हिला दूंगी और आलू अभी हल्के से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये कटा हुआ प्याज, इसे भी आलू के साथ अच्छी तरह से मिला दूंगी। अब इसमें डालना है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये सारे मसाले अभी अच्छी तरह से ये आलू और प्याज में मिला देना है। ये सारे मसाले अभी आलू और प्याज में मिक्स हो गए हैं। अब मैं ये कढ़ाई को फिर से एक लीड से ढक दूंगी और 5 मिनट अंदर आलू और प्याज को पकने दूंगी। फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट हो गए हैं, मैं लीड खोल दूंगी। थोड़ा सब्जी को हिला दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और कस्तूरी मेथी। इसे भी अच्छी तरह से मिला दूंगी। फ्रेंड्स, अभी आपको बिना कढ़ाई ढके 2 से 3 मिनट सब्जी को पकने देना है। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये भी अच्छी तरह से मिला देना है। फ्रेंड्स, अभी ये आलू दो प्याजा बन चुका है। अभी गैस बंद कर दीजिए और इसे सर्व कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी ये आलू दो प्याजा खाने के लिए तैयार है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप इसे चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे क्लिक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।